देश में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां दावेदार शक्ति प्रदर्शन कर संगठन का ध्यान अपनी ओर खींचने में जुटे हैं, तो वहीं अब बाहरी दावेदारों का स्थानीय कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। ऐसी एक तस्वीर शाजापुर जिले के कालापीपल विधानसभा क्षेत्र से आई है, जहां पिछले दिनों देवास भाजपा नेता द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया था, जिसके विरोध में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के सामने अपनी नाराजगी जताई थी। इस पूरे राजनीतिक क्रम को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्रुप एडिटर दीपक सक्सेना। दीपक, चुनाव को लेकर काला पीपल विधानसभा में कैसा माहौल है और कार्यकर्ताओं में किस बात की नाराजगी है? प्रियांशी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाजापुर जिले में निश्चित एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो विधानसभा 2023 का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान और इतना सरल इस बार नहीं रहने वाला है, जिसकी प्रमुख वजह है प्रत्याशियों का चयन। मैं आपको बताऊं, जब कल कालाईपल में जिस तरह से विक्रम सिंह पवार, जो कि देवास क्षेत्र के हैं, उन्होंने यहाँ पर कालाईपल में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए एक विशाल रैली निकाली थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो पूर्व विधायक है, उन लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। इन लोगों का कहना है कि इस बार कालापीपल में बाहरी प्रत्याशी का प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, जिस बात को लेकर इन तमाम नेताओं ने भोपाल पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से चर्चा की और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस बार कालाईपल में भाजपा का कोई भी बाहरी प्रत्याशी नहीं होगा। प्रियांशी, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कालाईपल की विधानसभा में 2,02,566 के लगभग मतदाता है, जिसमें आपको बताऊं पिछली बार जो कुणाल चौधरी कांग्रेस के जीते थे वो 13,699 मतों से हार जीते थे। आप पहली बार यहाँ पर जो दो बार भारतीय जनता पार्टी व एक बार कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार के जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साथ में, भारतीय जनता पार्टी में जो प्रमुख जो भूमिका निभाता था वो संगठन हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, जो दावेदार है, उनकी इच्छा है कि इस बार चाहे संगठन हो या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व हो, कोई भी हो, लेकिन इस बात का वो ख्याल रखे कि जो टिकटों का जब वितरण होगा तो स्थानीय होगा। अब स्थानीय लोगों में भी कई तरह के नाम है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जैसे लखन चंद्रवंशी है, साथ में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं इन इन सब कालाईपल की विधानसभा में अपना दखल रखते थे। अब महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि अब संगठन को तय करना है कि किस तरीके से अब वो ये जो टिकटों का चयन करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने, एक संगठन के सामने एक बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर वास्तव में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन कालाईपल विधानसभा में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो जातिवाद एक बीमारी कालाईपल विधानसभा में देखी जाती है, क्योंकि किस जाति का होगा और उसको कितने वोट मिलेंगे, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो विषय हो जाता है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्योंकि यहाँ पर खाती समाज के लगभग 17,000 के लगभग मतदाता हैं, अब जो हर बार यहाँ पर खाती समाज के व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि कुणाल चौधरी भी इसी समाज से आते हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी को भी ये चयन करना है कि किस उसमें आते हैं। एक सबसे बड़ा नाम यहाँ पर सुजालपुर कालाईपल विधानसभा में सुनील देथल, जो कि युवा है, वो अपनी दावेदारी रख रहे हैं। पूर्व विधायक है यहाँ पर, जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ सुजालपुर विधायक गुलाना विधानसभा जब हुआ करता था वो यहाँ पर जीते थे। अब देखना होगा पार्टी को कि किस तरीके से युवाओं को टिकट दे या उनको नजरअंदाज करे, क्योंकि टिकट मिलना एक ही व्यक्ति को है, एक अनार सौ बीमार जैसी कहावत कालाईपल में भारतीय जनता पार्टी के सामने बीमारी बनकर खड़ी हुई है। प्रियांशी, सबसे बड़ी चीज है कि वास्तव में कालाईपल मतदाताओं के साथ में छलावा ही खबर मध्य प्रदेश अपनी खबर के माध्यम से बता सकता है, क्योंकि वास्तव में जो स्थानीय स्तर के नेता है, जो 5 साल पूरे आम जनता के बीच में रहते हैं, ऐसे में बाहरी व्यक्ति वहां पर पहुंचता है और जो है टिकट नाम का लट्टू खाकर यहां से चला जाता है। आपको बताऊं कि चाहे कुणाल चौधरी क्यों ना हो, कुणाल चौधरी ने भी अपनी जीत के दावे बड़े बड़े वादे किए थे, हालांकि वो अभी तक पूरे नहीं हुए। चाहे कालाईपल में हम सड़कों की बात करें तो बेहद खराब है, कालाईपल में ओवर ब्रिज अंडरब्रिज की मांग लंबे समय से होती आ रही, क्योंकि जब रेलवे ट्रैक से कालाईपल को के लोग गुजरते हैं भोपाल की ओर या सुजालपुर की ओर, तो उन लोगों को सबसे बड़ा एक समुद्र पार करना पड़ता है जिसका नाम है रेलवे फाटक। वहां पर भी जो वर्तमान विधायक है कुणाल चौधरी, जिनकी लगभग इस बार भी टिकट लगभग फाइनल कांग्रेस कर चुकी है, तो अब देखना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है किन विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, कालाईपल के लोगों को कौन कितना आश्वासन देगा। खैर, ये विकास की बात है टिकट मिलने के बाद में, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने
39 सीटों की घोषणा की है। 39 सीटों के बाद में अब सुजालपुर, साजापुर, क्योंकि साजापुर में दो ऐसी तीन सीटों में दो पर कांग्रेस का कब्जा है। अब कांग्रेस के कब्जे से कैसे भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को छुड़ा पाएगी या नहीं छुड़ा पाएगी, या कांग्रेस साजापुर जिले की तीनों विधानसभाओं पर कांग्रेस बैठ जाएगी, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी एवं प्रदेश संगठन को टिकटों को लेकर काफी सावधानी बरतना होगी, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ वह कांग्रेस ने दावा किया है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, निश्चित कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ वादे ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस में अब आम मतदाता का रुझान जो है कांग्रेस की चर्चाओं में है। लेकिन किस तरीके से इस जीत को भारतीय जनता पार्टी छीनकर पुनः शिवराज सिंह सरकार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, साथ में भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा विषय यही है कि जिस तरीके से जो काला पीपल के लोगों का मुद्दा है वास्तव में जायज मुद्दा है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर ही टिकट तो मिलना चाहिए। अगर बाहरी व्यक्ति को टिकट मिली तो हमें फिर लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की झोली में सीट ना चली जाए। प्रियांशी जी, दीपक, जहां देखा जाए तो पिछले दिनों देवास भाजपा नेता द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इसका शक्ति प्रदर्शन किया। अब इसी के विरोध में जो भाजपा कार्यकर्ता है भोपाल पहुंचे और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के सामने अपनी नाराजगी जताई है, तो आखिर उनकी तरफ से क्या आश्वासन उन्हें दिया जा रहा है? मैं बताऊं आपको कि जो देवास क्षेत्र के तुकोजीराव पंवार के पुत्र हैं विक्रम सिंह पंवार, जिन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए कल कालाईपल में एक ऐतिहासिक समारोह निकाला था, लेकिन वो ऐतिहासिक साबित टिकटों में परिवर्तित हो पाएगा इसका कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि जो लोग वहाँ के स्थानीय लोग चर्चा में बताते हैं कि जो भीड़ थी वो सब बाहर से ही ये लोग लेके आए थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का भी चलन अब कहीं ना कहीं सिद्धांतों के खिलाफ भी उठने लगा है, क्योंकि जो पार्टी रीति नीति एवं संगठन की के दावे करती थी कि हमारी पार्टी के अंदर संगठन की चलती है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग बाहर से आकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं वाला फार्मूला अपनाएंगे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट और जीत दोनों ही मुश्किल का मैदान नजर आता है। प्रियांशी जी, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आपको बता दें खबर शाजापुर से है जहां विधानसभा चुनाव का घमासान चल रहा है। काला पीपल वेस्ट में बाहरी दावेदार का विरोध है। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने भोपाल जाकर आपत्ति दर्ज की है, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की है और पिछले दिनों देवास भाजपा नेता ने रैली निकाली थी।